हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली स्टॉक्स। सो यहाँ पर आज हम बात करने वाले LIC हाउसिंग फाइनेंस के। यहाँ पर मार्केट में क्वार्टरली 2 रिजल्ट आ चुके हैं। सो इस रिजल्ट्स के बाद आपको इस शेयर के अंदर किस तरह का प्राइस मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और आपको जिस तरह से यहाँ पर आपको पहले एक पॉजिटिव रैली देखने को मिली थी LIC हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के अंदर, तो उस तरह की रैली यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपको बरकरार देखने को मिल सकती है या नहीं देखने को मिल सकती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कंपनी का रेवेन्यूज है उसमें यहाँ पर आपको 3% का यहाँ पर आपको फॉल जरूर देखने को मिल रहा है, और वो हो चुका है 4,717 करोड़ रुपीस। बट उसी के साथ साथ में पॉजिटिव वाली बात ये है कि जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स है वो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर 64% यहाँ पर बढ़कर हो चुके हैं 249 करोड़ रुपीस। सो काफ़ी अच्छी और काफ़ी पॉजिटिव वाली बात है। तो एक अच्छा सा शेयर के अंदर भी आपको ये रिएक्ट जो है वो आपको ज़रूर करते हुए देखने को मिलेगा, और एट द एंड ऑफ द सेशन आज की भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बहुत ही अच्छा सा ट्रेंड यहाँ पर हमें पॉजिटिव क्लोजिंग भी बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है वो यहाँ पर 5% गिरकर हो चुके हैं 4,717 करोड़ रुपीज़। एज वेल जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स है ड्यू टू द कोविड सिचुएशन यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से गिरते हुए देखने को मिले, डेट इज 68% डेट इज 249 करोड़ रुपीज़। बट ओवरऑल बेसिस के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कंपनी की जो रिजल्ट आया अभी वो काफ़ी पॉजिटिव और इम्पैक्टफुल यहाँ पर हमें अपसाइड डायरेक्शन के लिए देखने को मिल सकते हैं। कंपनी डेटा के बारे में बात करूँ तो मार्केट कैप निकल कर रहा था इस कंपनी का, डेट इज 23,946.99 करोड़ का मार्केट कैप है, और उसके साथ में डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा, डेट इज 1.95% का एक अच्छा सा डिविडेंड यील्ड भी यह शेयर आपको देती है। फेस वैल्यू है शेयर का 2 रुपीज़, और बीटा है इसका 1.38 के नियर बाय, जो कि आपको बताता कि अगर इंडाइसिस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 1.38% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली अगर मैं इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग की बात करूँ तो वो यहाँ पर निकल कर आता है 30.98। अगर उसके मुकाबले अगर हम इस शेयर को कंपेयर करें तो एक अच्छा खासा प्राइस टू अर्निंग 11.57 के, एक अच्छा खासा बेहतरीन प्राइस टू अर्निंग पे शेयर आपको मिल रहा है। प्राइस टू बुक के वे में भी अगर हम देखते हैं तो 1.05 का प्राइस टू बुक है, और बुक वैल्यू भी इस कंपनी की काफ़ी तगड़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, 415.53 रुपीज़ की एक अच्छी खासी जो बुक वैल्यू होगी वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम इस कंपनी का कंपेयर करें तो काफ़ी स्टेगनेंट और काफ़ी स्टेबल और काफ़ी इफेक्टिव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। 2020-2021 से भी अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो कंपनी की टोटल इनकम एज वेल एज कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी यहाँ पर आपको स्लोली एंड स्टेडली एक अच्छा सा राइज जो है यहाँ पर हमें ज़रूर देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल बेसिस पर देखने जाए तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज इसकी क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव, 1.07% की तेज़ी के साथ 440 पे इसने क्लोजिंग दी, और फाइव हाई प्राइस आप देख सकते हो, दिस 794 का इसका हाई प्राइस है। सो मेरे हिसाब से इस शेयर के अंदर आपको निवेश करने के लिए दैट इज एक अच्छा सा लॉन्ग टर्म निवेशक हो आप तो मेरे हिसाब से 5-10% तक के जो गेन होंगे वो यहाँ पर आपको आराम से इजीली LIC हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के अंदर यहाँ पर आपको स्मॉल टाइम के पीरियड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो होप करता हूँ कि आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस के जो मार्केट में यहाँ पर क्वार्टरली 2 रिजल्ट आए हैं वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गए होंगे, और उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।